सो फाइनली नथिंग का और एक फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका नाम है नथिंग फोन 2A जो कि फ्लिपकार्ट पे पोस्टर आ चुका है और नथिंग की ऑफिशियल साइट पे भी ये आ चुका है। तो आज हम इस फोन के बारे में बात करेंगे, क्या इस फोन के लिए आप लोगों को वेट करना चाहिए या फिर अदर कोई ऑप्शन पिक करना चाहिए, क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी भी होगा, इसी सब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले जो नथिंग फोन 2 लॉन्च हुआ था उसका ही एक लाइटर वर्जन नथिंग फोन 2A लॉन्च होने वाला है। बहुत कुछ अपग्रेड भी देखने मिलेगा लेकिन नथिंग फोन 2 जैसे तो नहीं होगा। तो नथिंग फोन 2 44,000 पर लॉन्च हुआ था, ये बेसिकली एक मिड रेंज फोन होने वाला है। अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज पे आएगा। सो अगर मैं इसकी प्रोसेसर की बात करूँ तो इस बार आपको नथिंग फोन 2A में मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 400 पे बेस होगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी कैमरा की बात करूँ तो इस बार नथिंग फोन 2A में नथिंग फोन 1 जैसा ही 50+50 में कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सैमसंग के सेंसर के साथ आएगा। और नेक्स्ट अगर मैं इसकी सेल्फी की बात करूँ तो सेल्फी में एक अपग्रेड होने वाला है जो कि अभी नथिंग फोन 2A में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी होने वाला है जो कि सोनी का IMX615 सेंसर के साथ आएगा। इस बार आपको नथिंग फोन 2A में 49,000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा विथ 45 वाट फास्ट चार्जिंग। और बेसिकली इस बार भी आपको चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, चार्जर आपको अलग से बाय करना पड़ेगा। ये फोन 2A है, ये बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये गूगल के फोन से बहुत ही मिलता जुलता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गूगल भी पहले ऐसा ही लॉन्च करता था फोन, गूगल देखोगे तो फिर एक मिड रेंज पे ए सीरीज का फोन आने लगा, ऐसा ही कुछ नथिंग भी इस स्ट्रेटजी को ही फॉलो करेगा मुझे ऐसा लगता है। और अगर मैं आपको इस नथिंग फोन 2A की कुछ इमेज दिखाऊँ बैक पैनल की तो आप देख सकते हो तरह का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा देखोगे तो इसमें आपको कोई डीप लाइट के एलिमेंट नहीं देखने को मिलेगा जो कि मुझे तो वैसे बहुत वियर्ड लग रहा है ये, बिकॉज अनप्लाइड नहीं होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा इस फोन में। और भी कुछ फोटो पहले लीक हुआ था जो कि कुछ इस तरह इस साइड में ग्लिप एलिमेंट देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि वो ग्लिप ब्लड वाला ही आएगा बिकॉज उसमें ग्लिप एलिमेंट है, इसीलिए उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रहा है आने में। सो आप लोग अगर क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तो ये लॉन्च नहीं हुआ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी बोला ये जा रहा है कि MWC की इवेंट में अनाउंस होने वाला है और 27 फरवरी को इसका प्राइस क्या होगा ये सब पता चल जाएगा। और आप ये मान के चलो कि फरवरी की एंड तक सब कुछ आपको मालूम चल जाएगा। और अगर मैं इसकी OS की बात करूँ तो इसमें आपको अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। इसमें आपको एंड्रॉइड 14 देखने को मिलेगा विथ नथिंग का नथिंग OS 2.5। सो अगर आप ये सारे स्पेसिफिकेशन देखो तो मुझे तो नहीं लगता ये फ़ोन 30,000 के ऊपर जाने वाला है। ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है इस फ़ोन के लिए। इस वीडियो में यहीं तक। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।